हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और इस टाइम पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं आपके साथ। ये खबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है सीटेट के चैंपियंस के लिए, जिन्होंने 17th एडिशन के लिए ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। अब थोड़ा सा चेंज है, जो परीक्षा होने वाली थी ऑनलाइन अब वो होगी ऑफलाइन OMR पे पेन एंड पेपर मोड में। अभी इतनी ही जानकारी दी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो नोटिस है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और BPSC में भी जो टीचर की वैकेंसीज है 1,70,461, उसका भी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी अब OSW आपके साथ खड़ा है और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो पेपर होने वाला था 17th एडिशन सीटेट का, वो 20 अगस्त को होगा, ठीक है, और एक ही दिन में होगा सभी जगह, और OMR पे होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन है जो आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें सिलेबस से लेके एग्जामिनेशन पैटर्न और किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया है। अब क्यों किया गया है, कारणों से ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फैक्ट पे ध्यान दें कि अब ऐसा हो रहा है, ठीक है। रीजंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। अभी इतना ही है कि OMR पे ये होने जा रहा है 20 अगस्त को। कोई पहले के जैसा प्री एडमिट कार्ड ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और जैसे OMR पे UPSC पेपर्स होते हैं उस तरीके से पेन एंड पेपर मोड पे आपको देना है, ओके। तो इतना ही मुझे फिलहाल आपको बताना था, और चिल करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारियों में बने रहिए, चाहे APFC की हो, EO की हो, या किसी और एग्ज़ाम की, CTET की हो, CAPF की हो, या फिर BPSC TGT, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बने रहिए, क्योंकि इस साल चुनावी साल है। ये मान के आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आएंगी और इसी साल में आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है, यही लेके रखना है माइंड में। और हर तरह की चीज़ के लिए जुड़े रहिए ओनली सिलेक्शन वर्ड के साथ, क्योंकि सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन, मालूम है ना। जय हिंद।